प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। हमने सप्रतिबंध प्रायिकता को जान लिया है, अब हम सप्रतिबंध प्रायिकता के अब हम यह देखेंगे कि हम सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, और इसीलिए हम इस व्याख्यान में बेस के सूत्र अथवा बेस फॉर्मूला को समझेंगे। हम यह जानते हैं कि किसी भी घटना E को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, E बराबर है E प्रतिच्छेदन S के, एवं यह बराबर है किसी अन्य घटना F एवं उसके पूरक का सम्मिलन। अर्थात अब घटना समष्टि घटनाओं के बीजगणित का प्रयोग करते हुए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, एवं इसका अर्थ यह है कि किसी भी परिणाम का एक घटना ई में होने का अर्थ यह है कि वह परिणाम या तो ई एवं एफ में है अथवा ई एवं एफ, अर्थात वह परिणाम या तो ई एवं एफ दोनों में होगा अथवा ई एवं एफ पूरक दोनों में होगा। अब इसे ध्यान में रखते हुए हम ई की प्रायिकता के विषय में निष्कर्ष की प्रायिकता के विषय में निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ई की प्रायिकता बराबर है ई प्रतिच्छेदन एफ की प्रायिकता जमा ई प्रतिच्छेदन एफ पूरक की प्रायिकता। ध्यान रखिए कि यहां ध्यान देने योग्य अथवा याद रखने योग्य बात यह है कि ई प्रतिच्छेदन एफ एवं ई प्रतिच्छेदन एफ पूरक यह दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बताया था। यह दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसीलिए यह दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसीलिए हम इनकी कुल प्रायिकता इन दोनों की प्रायिकता के जोड़ के बराबर होगी। एवं अब हम यह लिख सकते हैं, यह होगा
एफ पूरक, यह हम जानते हैं। अब यह बराबर होगा एफ पूरक, अर्थात हम को ई उपस्थित एफ एवं ई उपस्थित एफ पूरक के भारित औसत वेटेड एवरेज के लिख सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक और सूत्र का सहारा लेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा था कि यह, किंतु हम यह भी जानते हैं कि प्रायिकता अर्थात एवं प्रायिकता एफ उपस्थित ई बराबर है प्रायिकता ई बराबर है एफ ई प्रायिकता ई उपस्थित एफ गुणा प्रायिकता एफ उपस्थित एफ पूरक अर्थात अब हम लिख सकते हैं एफ उपस्थित ई बराबर है प्रायिकता ई उपस्थित एफ प्रायिकता एफ प्रायिकता उपस्थित एफ पूरक अर्थात हम एफ के होने पर
ई के होने की प्रायिकता एवं एफ के न होने पर ई के होने की प्रायिकता एवं एफ के होने का प्रयोग करके ई के होने पर एफ के होने की को ज्ञात सकते हैं। यह बेज के सूत्र का मूल रूप है। यह बेज के सूत्र का मूल रूप है एवं यह प्रायिकता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है एवं इसका प्रयोग एक घटना ई को दूसरी घटना एफ के सापेक्ष देखने लिए किया है। जिस प्रकार साधारणतः इसका एक सरल उदाहरण यह है कि इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि जैसे हम यह कहें कि कोयले की कीमत बढ़ने पर लोहे की कीमत बढ़ती है, किंतु लोहे की कीमत बढ़ने पर कोयले की कीमत बढ़ने की क्या प्रायिकता है। यह एक इसका सरल उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण हम इस कोर्स में एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी के अन्य कोर्सों में भी देखेंगे। सरलतम उदाहरण यही है कि यदि कोयला की कीमत बढ़ने की प्रायिकता कुछ है एवं हमें कोयले का कीमत में बदलाव की प्रायिकता ज्ञात है, तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि लोहे की कीमत में बदलाव आने पर कोयले की कीमत में बदलाव आने की क्या प्रायिकता है। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम इस सूत्र के एक घटना को दूसरी घटना के सापेक्ष देखने के गुण का प्रयोग हम मुख्य रूप से भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रणालियों को समझने हेतु बनाई गई परिकल्पनाओं की सत्यता परखने करते हैं।
इस सूत्र के एक घटना को दूसरे घटना के सापेक्ष देखने के गुण का प्रयोग हम मुख्य रूप से भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रणालियों को समझने हेतु बनाई गई परिकल्पनाओं की सत्यता परखने हेतु करते हैं। अब मैं इस कथन को विस्तार पूर्वक कहूंगा। किसी भी प्रकार के विज्ञान में हमारा एक मुख्य काम होता है परिकल्पनाओं की सत्यता का शोधन अर्थात हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अर्थात हम किसी भी प्रणाली अथवा कुछ भी ऐसा भौतिक परिभास जिसे अंग्रेजी में फिनोमिना कहते हैं, हम किसी भी परिभास को समझने के लिए अपनी ओर से एक परिकल्पना बनाते हैं। वह परिकल्पना सत्य भी हो सकती है, असत्य भी। जिस प्रकार हमें छठी कक्षा में यह पढ़ाया जाता है कि सूर्य को समझने के लिए हमारी पहली परिकल्पना थी कि सूर्य कोयले की बनी हुई एक गेंद है। अब यह परिकल्पना करने के बाद हम यह देखते हैं कि वह परिकल्पना उस प्रणाली अथवा उस परिभाष को समझने में कितनी उपयोगी है, अथवा क्या वह परिकल्पना उस प्रणाली अथवा उस परिभाष से एकत्र किए गए साक्ष्यों पर खरी अब जब हमने एक प्रणाली अथवा परिभाष के कारण की परिकल्पना कर ली, तब हम यह जांचते हैं कि क्या हमारी परिकल्पना उस प्रणाली अथवा उस परिभाष द्वारा जो भी साक्ष्य हमें उपलब्ध कराए गए हैं, जिस प्रकार सूर्य से हमें ऊष्मा एवं जिस हम छठी कक्षा में प्रयुक्त उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं कि हमने यह परिकल्पना की कि वैज्ञानिकों ने यह परिकल्पना की कि सूर्य कोयले से बना एक अग्निपिंड है। सूर्य को समझने के लिए हमारी सरलतम परिकल्पना यह है कि सूर्य कोयले से बना एक अग्निपिंड है। अब यदि सूर्य कोयले से बना एक अग्निपिंड है, तो इस प्रायिकता द्वारा के समर्थन में या अथवा इस परिकल्पना के समर्थन में हमारे पास यह साक्ष्य है कि वह प्रज्वलित है एवं वह प्रकाश तथा ऊष्मा देता है, अर्थात वह प्रज्वलित है। यह इस परिकल्पना के समर्थन में अथवा इससे यह परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि सूर्य एक अग्निपिंड है। किंतु जैसा कि हमने छठी कक्षा में देखा था, जब वैज्ञानिकों ने यह जांचा कि सूर्य के भार के अनुपात में यदि उसमें कोयला है, तो वह कोयला केवल 5000 वर्षों में समाप्त हो जाता, अथवा यदि सूर्य एक कोयले का पिंड है जो कि निरंतर प्रज्वलित है, तब उसका कोयला 5000 वर्ष में समाप्त हो जाना चाहिए था। मैं छठी कक्षा में लिया गया उदाहरण ही ले रहा हूँ। किंतु
सूर्य की आयु तो खरबों वर्ष है, अर्थात यह प्रमाण प्रमाण अथवा साक्ष्य सूर्य अवस्था खरबों वर्ष है। साक्ष्य यह है कि सूर्य की अवस्था खरबों वर्ष है। परिकल्पना यह है कि सूर्य कोयले का बना है जो कि केवल 5000 वर्ष चलता। तो हमारी परिकल्पना परिकल्पना साक्ष्यों के आधार पर निरस्त हमारी परिकल्पना साक्ष्यों के आधार पर निरस्त कर दी गई है। अर्थात यदि हमारी परिकल्पना साक्ष्यों तो की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो हम उस परिकल्पना को निरस्त कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास समझने योग्य शब्द हैं जिनका हमने अंग्रेजी अनुवाद पहले नहीं दिया वह मैं दे देता हूँ। परिकल्पना परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है एवं साक्ष्यों को अंग्रेजी में एविडेंस कहा जाता है। अब बेज के सूत्र का प्रयोग करके हम साक्ष्यों की में अपनी परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता की गणना बेस के सूत्र का प्रयोग करके हम साक्ष्यों की उपस्थिति में अपनी परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता की गणना कर सकते हैं। किस प्रकार हम यह देखेंगे, मान लीजिए हमारी किसी भी परिभाष अथवा किसी भी परिभाष अथवा प्रणाली की हमारी परिकल्पना है एच। हमारी परिकल्पना एच है एवं इस परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता जो कि हमें हम मानकर चलेंगे हमें पूर्व ज्ञात है वह है h। अब हम यह भी जानते हैं कि एक साक्ष्य है e, हमारे पास एक साक्ष्य उपस्थित है e जो कि हमारे उस परिभाष से हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि हमारे पास एक साक्ष्य ई उपलब्ध है तब हम यह चाहते हैं एवं हमें यह भी ज्ञात है कि एच के होने पर ई के होने की प्रायिकता क्या है एवं एच के ना होने पर ई के होने की प्रायिकता क्या है। हम यह जानते हैं कि एच के होने पर ई के होने की प्रायिकता क्या है, हम यह भी जानते हैं कि एच के ना होने पर ई के होने की प्रायिकता क्या है। अब इन सूचनाओं के आधार पर हम यह जानना चाहते हैं कि यदि हमारे द्वारा एकत्रित साक्ष्य ई है तब
हमारे द्वारा परिकल्पित एच की सत्यता की प्रायिकता क्या है। सरल शब्दों में अथवा गणितीय रूप में हम यह जानना चाहते हैं कि अब जैसा कि हमने पहले देखा था, हम लिख सकते हैं एच प्रतिच्छेद एच एवं ई अथवा एच प्रतिच्छेदन ए भाग एवं हमने इसे सरलीकृत करके लिखा था, सरलीकृत अथवा बेज के सूत्र के द्वारा हमने लिखा था पूरक यह। अब यदि हम दाहिने भाग को ऊपर और नीचे दाहिने भाग को से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा भाग अब यदि हमारा एकत्रित प्रमाण ई एच का समर्थन तब यदि हमारा एकत्र प्रमाण ई एच का समर्थन करता है तब ई के उपलब्ध होने पर एच की प्रायिकता ई के विषय में कोई सूचना न होने पर एच की से अर्थात यह सरल सी बात है कि यदि कोई भी प्रमाण कोई भी साक्ष्य हमारी अवधारणा हमारी परिकल्पना का समर्थन करता है तो हमारी उस साक्ष्य के उपलब्ध होने पर हमारी उस अवधारणा के प्रति अथवा उस परिकल्पना के प्रति हमारी प्रायिकता बढ़ेगी ही। हमारे अर्थात इसे गणितीय रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि
यह सूत्र मुझे पहले भी ठीक करना होगा, यह ऊपर आएगा, यह नीचे, यह h की प्रायिकता से अधिक है। मैं दोनों ओर h की प्रायिकता काट सकता हूं, तब मैं यह कह सकता हूं कि यह एक से कम है। यह तभी संभव है अर्थात एक से कम है अथवा P उपस्थित H के पूरक से P उपस्थित पूरक H से अधिक है अथवा कोई प्रमाण किसी भी परिकल्पना का समर्थन तब करता है जब उस परिकल्पना के सत्य होने पर उस प्रमाण की प्रायिकता उस परिकल्पना के असत्य होने पर उस प्रमाण अथवा साक्ष्य माफ कीजिएगा मैं इसे कोई भी साक्ष्य उस साक्ष्य उस साक्ष्य की प्रायिकता से अधिक हो एवं इसी प्रमेय को आगे बढ़ाते हुए हम यह कह सकते हैं कि कोई भी साक्ष्य किसी परिकल्पना के होने का विरोध तब करेगा जब उस साक्ष्य की प्रायिकता उस साक्ष्य के होने की प्रायिकता उस परिकल्पना के विरोध में उस परिकल्पना के होने के मुकाबले अधिक हो। इसी का प्रयोग करके करके हम किसी घटना ई का संभाव्य अनुपात ऑड्स रेशियो किसी भी घटना का संभाव्य अनुपात हम परिभाषित कर सकते हैं एवं हम यह देखते हैं कि किसी घटना का संभाव्य अनुपात परिभाषित होता है उस घटना ई के होने की प्रायिकता भाग का एवं किसी भी परिकल्पना H की सत्यता की जांच करते हुए हम यह देख सकते हैं कि
एवं साक्ष्य ई की उपस्थिति में किसी परिकल्पना एच की सत्यता जांचते हुए हम संभाव्य अनुपात को परिभाषित कर सकते हैं। प्रायिकता एच उपस्थित ई बटे प्रायिकता एच नहीं उपस्थित ई। इसे हम लिख सकते हैं प्रायिकता ई उपस्थित एच एच बटे प्रायिकता ई भाग प्रायिकता ई उपस्थित एच नहीं प्रायिकता एच नहीं बटे प्रायिकता ई। एवं इसे ही सरलीकृत करके हम लिख सकते हैं प्रायिकता एच प्रायिकता एच नहीं प्रायिकता ई उपस्थित एच प्रायिकता ई उपस्थित एच नहीं। यह किसी भी साक्ष्य ई की उपस्थिति में परिकल्पना एच की संभाव्य अनुपात है। धन्यवाद।